अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कल 16 नवंबर प्रेस डे था, आज 17 नवंबर है। प्रेस डे ने यौम सहाफत पर आज बात करते हैं, इसी पर मुल्क में सहाफत किस मियार पर पहुंची है, फिर मुसलमान मुस्लिम मीडिया को लेकर कितना संजीदा है। इससे पहले अहम खबरों पर एक नजर डालते। गदक के नजदीक बेलगाम के दो अफरादों की सड़क हादसों में मौत हुई। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े सिद्धया पाटिल और बाबू तारियाड़कर को ठोकर मारने से उनकी जगह पर ही मौत हुई, तो एक और शदीद जख्मी हुआ है। मौत इंसान को कहां कहां दबोच लेती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वजीर लक्ष्मी हेबाकर ने बेलगाम के सहाफियों के इजलास में सहाफियों को ना समझ कहा, तो इसकी पुरजोर मजम्मत के लिए कन्नड़ साहित्य भवन में एहतजाजी मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें 40 से ज्यादा सहाफी मौजूद रहे। जल्द अज जल्द बिलाशर्त माफी मांगने का मुतालबा इस वक्त किया गया। बेलगाम जिला सूखा की जद में है, तो कई जगहों पर नदी तालाब सूख रहे, लिहाजा हर ग्राम पंचायती में अपना खुद का टैंकर खरीदना चाहिए, ताकि किसी तरह भी पीने के पानी के मसाइल का सामना आवाम को न करना पड़े। ऐसा सुवर्ण सौध की मीटिंग में वजीर सतीश जारकिहोली ने कहा, इस वक्त 32 करोड़ रुपए बतौर सूखा इमदाद मंजूर भी किए गए। बेलगाम धारवाड़ बस की खस्ता हालत का वीडियो काफी वायरल हो चुका है, जिसके बाद केएसआरटीसी की जानिब से उस बस को निकाल दिया गया और गैर जिम्मेदार अफसरान पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा महकमा की जानिब से बताया गया। बेलगाम बेंगलोर वंदे भारत रेल 21 नवंबर से शुरू होगी। वैसे हुबली वालों ने बेलगाम तक वंदे भारत के लिए मुखालफत की थी, ऐसी भी खबर गश्त कर रही थी, लेकिन आज फैसला लिया गया। 21 नवंबर से वंदे भारत बेलगाम से बेंगलोर और बेंगलोर से बेलगाम शुरू होगी। सुबह 6:45 बेंगलोर से ट्रेन निकलेगी और 2:30 बेलगाम, फिर बेलगाम से 2 डिपार्चर और बेंगलोर में 8 तक पहुंच सकती है, ऐसा बताया गया। आज थोड़ा हटके मौजू है, क्योंकि बात करते हैं नेशनल प्रेस डे यानी यौम सहाफत। पहले मुल्क सतह पर प्रेस की आजादी कितनी है और धीरे धीरे प्रेस की आजादी पर लगती पाबंदियां किस दिशा में सहाफत को ले जा रही है, और साथ में अकलियतों के हकूक के लिए आवाज उठाने वाले जो मीडिया हाउसेस है, इनकी क्या हालत है, इस पर बात करते हैं। हो सकता है क्या आज का मौजू कुछ लोगों को सूखा सूखा लगे, लेकिन इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम खुद भी भले छोटा ही क्यों ना हो, पर इसका एक हिस्सा है। आज वैसे 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता रहा है, लेकिन आज 17 नवंबर है। मेनस्ट्रीम मीडिया का मियार रोजाना गिरता ही जा रहा है। कुछ मखसूस कोने बचे हैं जहां पत्रकारिता या सहाफत बची हुई है। 2014 मोदी हुकूमत आने से पहले बहुत अच्छी हालत थी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन 2014 के बाद तो सहाफत का मियार गिरता ही गया, जिसका नतीजा 181 मुल्कों में भारत प्रेस की आजादी के फहरिस्त में 161वें नंबर पर पहुंच चुका है। मतलब सीधा है कि भारत में अब पत्रकारिता या सहाफत खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। बेलगाम में भी हाल ही में कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया के सहाफियों ने कुमार गंधर में इजलास को मुनक्कद किया था, जिसमें वजीर लक्ष्मी हेब्बाकर, वजीर सतीश जारकिहोली और एमएलए आसिफ राजू सेठ मौजूद रहे। अब कोई बताए तो सही कि क्या मेनस्ट्रीम का फिलहाल वजूद किस हद तक बाकी है। इससे पहले प्रिंट मीडिया के जरिए समाज माशरे का आईना पेश करने की कोशिश इसी सहाफत के जरिए से होती रही, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने कदम जमा लिए, न्यूज चैनलों की भरमार हुई, जमहूरियत का चौथा सुतून फिर भी अपने वकार को कायम रखने की जद्दोजहद करता रहा, लेकिन 2014 के बाद तमाम हदूद खत्म किए गए। अब हुकूमत जो चाहती है उसे ही बतौर खबरें पेश करना मीडिया हाउसेस के मालिकों की मजबूरी बन गई। उसके लिए तमाम साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने लगे, यहां तक कि कुछ को जान से भी मार दिया गया, कुछ को जेलों में, कुछ पर मुकदमे भी दायर किए गए। सहाफत पर हुकूमतों का दबाव पहले भी हुआ करता था, लेकिन मोदी हुकूमत में इसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया, और अगर तमाम का जायजा लिया जाए तो सभी का एजेंडा प्रोपोगंडा मुस्लिम दुश्मनी ही नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुकूमतों को मुस्लिम नफरत ही एक खुराक की तरह है। इस खुराक के बगैर आगे बढ़ना और महज 50 मांग कर 9 तक इख्तदार पर बैठना मुमकिन भी नहीं था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में और भी गिरते हुए भारत की सहाफत 161वें नंबर पर पहुंच गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की तंजीम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म को RSF कहते हैं, इस इंडेक्स को तैयार करती है। यह आलमी तंजीम 5 कैटेगरी के साथ ही कुछ और पैमानों के बुनियाद पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। जिस अमेरिका की दोस्ती की भारत दुहाई देता है, उसी ने भारत में प्रेस की आजादी पर सवाल उठाए। गरीबी भुखमरी में भी भारत पड़ोसी मुल्कों से भी पिछड़ गया है, लेकिन भारत के सत्ताधारी को कुछ फर्क अब भी पड़ता नजर नहीं आ रहा। हर दौर में सहाफियों के सामने चुनौतियां रही है, पर मौजूदा दौर भी तारीख के पन्नों में दर्ज किया जा रहा है। ये वो दौर है जब सहाफी अपनी जान जोखिम में डालकर खबर कर रहे हैं। खोजी यानी कि इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता तो अब करीब करीब खत्म ही हो गई है।
और जो गिने चुने आजाद मीडिया हाउसेस खबर को खबर के तौर पर पेश करने का रिस्क जोखिम उठा रहे हैं उन्हें यूएफपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानून का सामना करना पड़ रहा है। वाजह रहे यूएफपीए एक दहशतगर्द जैसा खतरनाक कानून है और इसके तहत गिरफ्तारी होने पर जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत में प्रेस की आजादी के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सबसे खतरनाक कहा है। भारतीय प्रेस परिषद के नाम से 16 नवंबर 1966 को प्रेस की आजादी को बरकरार रखने के लिए तंजीम बनाई गई थी, पर अब महज सब कुछ रस्मी बनता दिखाई दे रहा है। कहीं बड़े नाम और साफियों को मीडिया हाउसेस से बाहर कर दिया गया क्योंकि सत्ता के विरोध में खबरें या सत्ता से सवाल पूछना या उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाने की जरूरत पर इन्हें बाहर कर दिया गया। रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अरफा खानम शेरवानी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और भी कुछ गिनती के साफी अब यूट्यूबर बने हुए हैं। आज तक एबीपी, जी न्यूज, न्यूज 18 जैसे बड़े मीडिया हाउसेस से इन्हें निकाला गया और जमीर फरोश, रूपिका लिया खत, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, राजेश शर्मा, चित्रा त्रिपाठी जैसे सैकड़ों आज भी लाखों रुपए लेकर टीवी डिबेट में हिंदू मुस्लिम कर पत्रकारिता को दागदार कर रहे। आज समाज में नफरत फैलाने के लिए इन्हें सीधे जिम्मेदार माना जाता है। सड़कों पर मॉब लिंचिंग इन्हीं का नतीजा है। जाहिर है हुकूमतों का दबाव आने लगता है तो बहुत सारे टूट भी जाते हैं या सत्ता की बोली बोलने लगते हैं। आज प्रेस फ्रीडम डे के मौके पर एक और अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा। जहां मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाने के प्रोग्राम टीवी डिबेट मुस्तकिल चलाए जाते हैं, मुजरिम मुसलमान हो तो सुर्खियां अलग होती हैं। डिबेट में मौलाना या किसी और को इस्लामिक स्कॉलर कहकर बहस किया जाता है और अगर वही गैर मुस्लिम मुजरिम हो तो खबरों को छिपाया भी जाता है और उसकी सुर्खियां भी अलग हो जाती है, उसका रुख भी बदल दिया जाता है। मतलब समाज में मुसलमानों को अलग थलग कर अक्सरियत समाज में नफरत का जहर घोलना यही वाहिद एजेंडा इन न्यूज चैनलों की जानिब से चलाया जाता है और इसका मकसद भी यही होता है। अब पूरे मुल्क में मुसलमानों का इस पर क्या रद्दअमल है? मेनस्ट्रीम मीडिया का दौर खत्म होने की कगार पर है, लोग टीवी नहीं देख रहे, अब एंड्रॉइड मोबाइल ही आजकल खबरों को हासिल करने का जरिया बनता जा रहा है। दौर सोशल मीडिया का है और इसका आसान जरिया मोबाइल है। सत्ताधारी यहां भी अपनी तमाम सबीले साजिशों को अंजाम दे ही रहा है, आईटी सेल के जरिए अपने काम की रफ्तार को बढ़ा भी रहा है। पर जिस समाज को लेकर इतना सब कुछ हो रहा है, क्या मुस्लिम समाज में मीडिया को लेकर कोई संजीदगी है? आखिर क्या बात है कि मखसूस मुसलमानों की आवाज उठाने वालों का भी किसी तरह ताउन ये समाज करने की फिक्र में नहीं है? आज भी हमारे समाज में ये फिक्र कहीं पर भी नजर नहीं आती। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कुछ करना चाहते हैं और ये भी एक मौका है क्योंकि मुसलमान अपने जाती तौर पर लाखों खर्च करेगा। आज भी उसी मदरसा मस्जिद की सोच में आज भी झगड़ा हुआ, लेकिन कभी मुस्लिम मीडिया हाउसेस को मदद नहीं करेगा क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि एक मीडिया हाउस को खड़ा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, जो यकीनन मुस्लिम समाज नहीं करेगा और इन्हें जरूरत भी नहीं है। इससे पहले कई अखबार महज किसी तरह का ताउन न होने पर ही बंद किए गए, बेलगाम में भी आप देख सकते हैं। अब कोई बताए तो सही कि मुल्क सतह पर मुसलमानों के कितने अखबार हैं, अगर है भी तो हुकूमत के दबाव में कितने लिख रहे हैं और फिरका परस्तों के खिलाफ कितना आवाज उठा रहे हैं, नहीं के बराबर है। अब बेलगाम में हमारा तजर्बा ये रहा कि यूट्यूब से रुपया आ रहा होगा या हुकूमत से इमदाद मिलती होगी या इन्हें डोनेशन मिलता होगा, इस तरह की सोच देखने को मिलती है, यहां तक के इश्तिहारात के रुपये तक नहीं मिलते। आज बेलगाम में सबसे ज्यादा इत्तेहाद न्यूज़ को देखा तो जाता है पर ताउन ना के बराबर ही है। बजाय मुस्लिम मीडिया को और तकवियत पहुंचाने के सवालात, एतराजात, तंज देखने को मिलते हैं। इस वक्त ये भी बताता चलूं कि इत्तेहाद न्यूज की कोशिश है कि मुस्लिम समाज के साथ जो भी दबा कुचला तबका है इन पर खुलकर बोले। एक तरफ देखा जाए तो पुलिस का दबाव, एक तरफ हिंदुत्व तंजीमों का दबाव और सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मुसलमानों का ताउन न के बराबर। कुछ एक गिनती के लोग छोड़ देते हैं तो मुस्लिम मीडिया की किसी को जरूरत नहीं है। वैसे भी मुसलमानों के हक में बोलने वालों पर कितना दबाव आता है जो मीडिया चलाते हैं उन्हें ही पता। कई सारे कमेंट हमारे अपने करते हैं जिससे दिल दुखता है। अगर माशरे में कहीं पर जुल्म जाती फिरका परस्तों की जानिब से हो रही है तो यकीनन कॉल करें, लेकिन देखने को मिलता है कि कभी अस्पताल का बिल ज्यादा लेने पर, कभी मियां बीवी के झगड़े, कभी जमीन को लेकर, बैंक फ्रॉड या दीगर ऐसे मसाइल को लेकर फोन करते हैं और कहते हैं कि न्यूज बनाओ, अब आप ही बताओ इसे क्या कहा जाए। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ इत्तेहाद न्यूज ही नहीं, जो भी मजलूम कमजोरों पर हो रहे जुल्म पर बोल रहा है उसकी हिम्मत बन जाए, कम से कम शेयर और लाइक तो करे, हौसला बढ़ाओ, न कि एतराजात दर्ज करते रहो। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से सही है, गलतियां हमसे भी हुई है, लिहाजा इतना जरूर है कि आज सोशल मीडिया के जरिए कुछ संगियों का मुकाबला करने के रास्ते खुले हुए हैं। झूठे प्रोपेगंडा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, इनका काउंटर सच के जरिए किया जा सकता है। मोबाइल इस दौर का यकीनन फितना है पर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो हथियार भी बन सकता है। कहां है हम रोजाना की साजिशें जो मुसलमानों के खिलाफ चली जा रही है,
जिसका मुकाबला भी उसी तरह से किया जा सकता है जिस तरह से साजिशें चली जा रही है। अपना भी मीडिया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इस पर तवज्जो देना होगा, क्योंकि किस तरह मीडिया पर मुशरिकों की जानिब से कब्जा जमाया गया। सिर्फ नौजवानों का एक तबका भी संजीदगी को समझे तो बहुत कुछ हो सकता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों की जंग कोई और लड़ रहा है, पूरा समाज किसी और सिमत में जा रहा है। मुसलमानों के हक में बात करने के जुर्म में कई साफियों को जेल भेजा गया जो मुसलमान भी नहीं थे। मतलब आज भी कुछ चिराग जल रहे हैं, अब और भी चिरागों को रोशन करना है। यकीनन फिरका परस्तों के अंधेरों को मुंह छुपाना होगा जब हक के शहदाई अपने लहू से चिरागों को रोशन करेंगे, वरना ये बेहिसी मौजूदा माशरे को खत्म तो करेगी ही, आने वाले नस्ल को भी गूंगी और बहरी बना देगी, और इसके लिए जिम्मेदार हम सब होंगे इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।